नमस्कार किसान मित्रों, मैं गौरव शर्मा सूरत से इनोवेंटिव फिलामेंट कंपनी से आज आया हूँ तलेगांव महाराष्ट्र में सोएक फ्लोरा में, जहाँ आप देख सकते हो हमारी मैक्सिमम नेट्स बेड में नर्सरी बेड में कैसे यूज़ हुई है और उसका क्या बेनिफिट्स है और उससे रिलेटेड मैं अभी सर से कुछ बात करूँगा और आपको बताएंगे। सर पहले तो आपका नाम? हमारा बंकिम घोष हजरा, नमस्ते। सोएक फ्लोरा प्राइवेट लिमिटेड में काम करता हूँ। सर मैं अभी जानना चाहता हूँ नेट कितने साल हो गया सर आपको लगा के? कम से कम 3 से 4 साल हो गए। 3 से 4 साल। सर इसमें क्या बेनिफिट हुआ जो सर? पहले जीआईएम जो लगाता था, जीआईएम में क्या होता था, साइड से कट होता था रस्टी होके। अभी इसमें हमारा कुछ भी नहीं होता, इसमें कट नहीं होता, कुछ भी नहीं होता सर। और प्लस स्लैग सैग भी होता था, अभी सैग भी नहीं होता, कुछ एकदम क्लियर रहता है इसका। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं? कुछ प्रॉब्लम नहीं इसका। और कुछ बेनिफिट सर इसके? सर बेनिफिट बोलो तो जो हमारा झाड़ रखता है उसमें आयरन में प्रॉब्लम होता था, अभी इसमें नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, इसको फिटिंग करने में कोई प्रॉब्लम हुई आपको? फिटिंग सर? में कुछ प्रॉब्लम नहीं सर। इसमें पहले अपन क्या करता है, नीचे जो अपना 6 फीट का हमारा टेबल है, 6 फीट का टेबल का अंदर अपन जो चौड़ाई 6 फीट का, चौड़ाई 6 फीट, हाँ 6 फीट का, उसमें 3 तार अपन एक्स्ट्रा लगा देता है उसका। कौन से एमएम की लगाई सर? ये 3 एमएम का, ये हमारी आपका 3 एमएम का तार लगाया। ये 3 एमएम तार का क्या होता है, उसमें सपोर्ट हो जाता है। और बाकी हमारा जो टेबल है ना, टेबल सब कुछ पकड़ो 30 मीटर का, तो बीच में एक एक 8-8 फीट में, जैसे 2-2 मीटर में एक एक अपन सपोर्ट लगाता है। ओके। और सर मैं देख सकता हूँ जो मेरी 1.8 वायर है ये भी आपने लगाई हुई है? ये जो है ना, जो टेबल फिट होने के बाद ये अपन ऐसे निकाल नहीं जाए, इसके वास्ते 1.8 mm का तार से अपन इसका रोलिंग कर दिया। और जैसे सर आप इसमें नट बोल्ट नट कैसे टाइट किए सर? ये है ना जो अपन का जो इस एंड में सेल्फ स्क्रू और वासर लगा के अपन टाइट किया। अच्छा, तो इसका कॉस्ट जो बैठा है, जो पहले आप जीआई लगाते थे उससे बहुत फर्क पड़ा? बहुत फर्क है। एक्चुअली हम लोग का जो जीआई का लेना पड़ता तो कम से 16-17 रुपया पर स्क्वायर फीट पड़ता था। okay. और ये पड़ता है 13 से 14 रुपया। अच्छा, वो उसमें और इंस्टॉलेशन में मैन पावर में? मैन पावर में भी इजी है, जीआई का वेल्डर लगता था, फिर हमारा लेबर भी ज़्यादा लगता था, खींचने की प्रॉब्लम था। इसमें हमारा मशीन है खींचने के लिए, उसमें से अपन ईजी खींच देता था, वेल्डर नहीं लगता, कुछ नहीं लगता, लेबर ही लगता। मतलब जो आप बताना चाहते हैं, जैसे अभी मैं देख रहा हूँ 6 फीट का और नेट आपने लिया था 6x100 फीट, 6x100 फीट के नेट्स, ये 2x2 का मैश है और 2.5 की एमएम की वायर है। बराबर, ठीक है। अब मैं देख सकता हूँ सर आपने जो ऊपर लगाए हैं इरीगेशन में, इसमें भी पूरी की पूरी हमारी वायर यूज़ की है। सर पहले अपन जीआई का लगाता था, लेकिन जीआई कुछ दिन के बाद सपोर्टिंग इसको क्या सिस्टम बोलते हैं वैसे? फॉगिंग सिस्टम। फॉगिंग सिस्टम, फॉगिंग सिस्टम में जो आपने सपोर्ट, ये कौन से एमएम की वायर लगाई है हमारी? ये अपन 3 एमएम का लगाया, एक तो स्ट्रेट लगाई है और एक ये कितने गैप के बाद है? ये है ना 8-8 मीटर में अपन लगाया, 4-4 मीटर में लगाया, 4-4 मीटर में। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ? इसमें से हमारा जो पहले जीआई का लगाता था तो कट हो जाता था रास्टी होके, क्योंकि हमें से पानी का ये रहता है, मच्छर रहता है। तो अभी क्या होता है, अभी कट भी नहीं होता है और एकदम पूरा लॉन्ग लाइफ हो जाता है मेरा। तो बहुत अच्छा सर लगा मुझे ये आके, जहाँ आपने मेरी पूरी वायर पूरा रिप्लेस कर दिया, अपने जीआई की वायर जीआई कर दिया, जीआई के रिप्लेस करके सब आप सब जो दूसरे नर्सरी वाले आप उनको रिकमेंड करेंगे कि यही लगाइए, इसका बहुत बेनिफिट है। सर बेनिफिट है, बेनिफिट के लॉन्ग लाइफ भी है। ओह ग्रेट, बेनिफिट तो है ये, कॉस्ट इस सबसे भी कम है, प्लस आपका जो ये है ना, ये आपको बेनिफिट कैसे होता है कि इसका लाइफ भी बढ़ जाता है, कॉस्ट भी कम होता है। थैंक यू किसान मित्रों, आपने देखा कि अब इनका क्या फ़ायदा है। और भी कुछ होगा तो मैं आपको गाइड कर दूंगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर।